बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे और दुनिया वाखर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं ये शुरू। जिस दिन से आया हूँ घर में लेटा हूँ, तबीयत ने साथ ही नहीं दिया बाहर निकलने का, तो ना ही कुछ दिल कर रहा था कुछ बनाने को। तो मैंने आज सोचा कुछ बाहर निकल के सुबह की जो ठंडी सी हवा है उसका मज़ा लिया जाए, शायद कुछ तबीयत ठीक हो जाए। क्यों, मैदे का प्रॉब्लम काफ़ी चल रहा है मेरा, अभी भी मुंह पका हुआ है काफ़ी ज़्यादा सारा, तो उसकी वजह से कुछ मुश्किल भी होती है, खाने पीने की भी होती है, और कभी दर्द भी काफ़ी ज़्यादा करता है बोलने में। ये मक्की की फसल है, देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मक्की लगी हुई है। ये शबनम चेक करें, ये देखें शबनम कितनी ज्यादा है। गांव का जो ऐसा माहौल होता है बहुत ही मज़ा आता है बाहर घूमने का, तो हम तो अक्सर मिस कर देते हैं। क्यों, कभी मूड बन जाता है बाहर निकलने का, कभी नहीं बनता है सुबह के वक़्त, तो मज़ा भी ज़्यादा सुबह के वक़्त ही आता है। और जो आजकल के माहौल हैं सर्दियों के, जो आजकल के माहौल है जो सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। और सर्दियों के जो माहौल हैं वो भी बहुत मज़े के होते हैं बाहर घूमने के, तो अभी अपनी फसल की तरफ ही जा रहे हैं, और तो कुछ जगह नहीं है जाने की, तो उधर से बस थोड़ा सा देख दुख के वापस आने की करेंगे। क्यों, गर्मी में मैंने नहीं बताया, वैसे ही अचानक से निकल चुका था, तो घर वालों को भी नहीं पता है कि मैं किधर गया हूँ। ये देखे फसलों पे शबनम और ऊपर से सूरज की जो किरणें पड़ रही हैं, ये देखे ये मुकम्मल शबनम है घास के ऊपर, और सूरज की वजह से ये खूबसूरत सा मंजर बना हुआ है। ये धुआं देख रहे हैं, ये चावलों की फसल से धुआं सा निकल रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बुखारात से हैं जो सूरज की वजह से निकल रहे हैं अंदर से। ये देखें ये हैं बुखारात से, सुबह से तकरीबन कुछ भी नहीं किया, आराम ही किया है, तो अभी भी मूड यही है। क्यों, दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने को, तबीयत ही कुछ ऐसी हो रही है, जिस्म में काफ़ी दर्द है, तो उठने की भी हिम्मत, देखो कब तक तबीयत ठीक होती है। जैसे ही तबीयत ठीक होगी तो अपनी रूटीन पे दोबारा आएंगे जो हमारी पहली रूटीन थी। फिर मैं परसों से व्लॉग शुरू किया हुआ, सुबह के वक़्त में गया था परसों, उसी वक्त ही शुरू किया था, तो उसके बाद तकरीबन दो दिन हो गए मुझे होश नहीं थे, तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है,
बुखार हो रहा है जिसकी वजह से उठना मुश्किल है। अभी भी सर में दर्द है बुखार की वजह से। तो मैंने अभी सोचा कि वीडियो का एंड हो जाए, जब तबीयत ठीक होगी फिर रूटीन से शुरू करेंगे। आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि दुआ करें तबीयत कुछ बेहतर हो। तकरीबन बहुत ही ज़्यादा नाजुक सी हो रही है तबीयत। तो अभी भी कुछ मूड था जाने का हकीम के पास कि कुछ दवाई वगैरह लेके आते हैं। 2 दिन से तो खा रहा हूँ लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी भी ये 2 दिन भी तकरीबन मुसलसल आराम में गुजरे हैं। अभी भी सुबह से सोया हुआ था, अभी उठा हूँ, तकरीबन 11 बजे हुए हैं। तो सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द है। पहले तो जिस्म पूरे में दर्द था बुखार की वजह से, तो वो दवाई खाने से कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन सर का दर्द नहीं जा रहा है, बुखार अभी भी है। तो बस आज की तो नहीं है, 2 दिन हो गए वीडियो को। तो बस वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, जब तबीयत ठीक होगी फिर शुरू करेंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। खुसूसी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।